गुमशुदा तो हो गई है लक्ष्मी, और देखिए कैसे लक्ष्मी पारो और शालू को ढूंढते हुए पहुंच गए हैं ऋषि और आयुष, साथ ही पहुंच गई हैं नीलम अपनी बहना संग, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है हिट एंड मिस, क्योंकि लक्ष्मी तो कर रही है पारो संग भागने की तैयारी। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में शुरू हो गया है नया गोलमाल। देखिए तो पहले लक्ष्मी और पारो को ढूंढते हुए ऋषि और आयुष यहाँ पर पहुँच गए हैं, और लक्ष्मी और पारो दोनों को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मी नहीं मिलती। चाची जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज प्लीज देखिए, आपने मुझे यहाँ से घर से बाहर निकाला। मैं आपकी फिर भी रिस्पेक्ट करता हूँ, गलती मेरी थी, आपका हक है मुझे निकाल सकते हैं, आपने निकाल दिया कोई बात नहीं, पर बात यहाँ ऋषि भाई और भाभी की है। अगर उनको भाभी से मिलना है तो प्लीज प्लीज उनको मिल दीजिए, बहुत सारे गिले शिकवे वो दूर हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगी। चाची जी, आपको तो हमारी हेल्प करनी चाहिए, प्लीज हमारी हेल्प करिए, आप ऐसे अड़चन मत बनिए, प्लीज प्लीज समझे हमारी हेल्प करिए प्लीज। हो गया टेल के, अब मैं कह लूं? अरे मैं सच कर रही हूँ, लक्ष्मी यहाँ पर नहीं है। मैं तो देखती हूँ। लक्ष्मी ऋषि देखते, अरे ऋषि स्टॉप, लक्ष्मी क्या सब कर रहे हो तुम लोग? लक्ष्मी ऋषि, अरे लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी भाई के बाहर निकल, हम इधर इधर। आयुष स्टॉप, लक्ष्मी स्टॉप। तो हमें बाद में पता चला कि मामी और मासी भी आए थे यहाँ पर ढूंढने पारो को, और लक्ष्मी से बात करनी थी उन्हें, वो हमें बाद में रियलाइज़ हुआ, और ऋषि ने कुछ कैलकुलेट करा कि अगर वो लोग आए थे और यहाँ पर लक्ष्मी वगैरह नहीं है तो चीज़ें एस्केलेट हो सकती है, इसलिए हम लोग फटाफट से भागे वहाँ से। वो ऋषि की कैलकुलेशन है, मेरे मुँह में चना फंस गया। तो उससे पहले हम लोग जाते हैं लक्ष्मी से बात करने, क्योंकि इससे पहले हमारा एक सीन जाता है जहाँ पर मैं और ऋषि डिस्कस करते हैं कि ऐसे बात नहीं बनेगी, शायद फेस टू फेस जाके बात करनी पड़ेगी, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी अब उस स्टेज पे आ गई है जहाँ वो ऋषि से बात ही नहीं करना चाहती है। तो अगर ऋषि के दिल में कुछ बात है, या फिर वो अगर वो सच भी बोल रहा है, और उसने उसका स्टांस भी लिया नीलम मामी के अगेंस्ट जाके, लक्ष्मी के लिए खड़ा भी हुआ, उसे अब लक्ष्मी भाभी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपना पता है कि मुझे पारो को बचाना है, मुझे यहाँ से निकलना है, तो वो निकल रही है। तो ऋषि वो चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्रस्ट कर हम पे, आई नो जो पास में हुआ बहुत गलत था, बट अभी की सिचुएशन सच है तो प्लीज़ ट्रस्ट कर। तो ये सब बातें करने हम आते हैं, पर रियलाइज़ करते हैं कि लक्ष्मी पारो और शालू यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद पहुँचती है नीलम अपनी बहना संग, क्योंकि उसे पारो जो चाहिए, ऐसे में वो लक्ष्मी से बात करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उन्हें भी लक्ष्मी नहीं मिलती है। ऐसे में रानो हो गई है काफी परेशान, भाई सभी लोग लक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते उसके घर ही जो आ रहे हैं। ऐसे में रानो की लड़ाई नीलम और आंचल से हो जाती है। अब हमें पता चल गया है कि पारो हमारे घर की बच्ची है, तो ऑब्वियसली नीलम दी की जंग यही है कि हमें पारो हमारे पास चाहिए, हमारे घर में चाहिए, पर वो लक्ष्मी को बर्दाश्त करती नहीं है, तो लक्ष्मी नहीं चाहिए लेकिन पारो चाहिए। पूरी लड़ाई वही चल रही है कि हम कैसे लक्ष्मी से पारो को लेकर उसे अपने पास घर पे लेकर आएं। अभी हम लक्ष्मी के घर गए थे,
हम उससे बात करने गए थे, क्लियरली बताने गए थे कि भाई पारो को हमें दे दो, अदरवाइज लॉयर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसे लीगल बैटल बनाना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमें लक्ष्मी घर पे मिली नहीं, तो वो हिट एंड मिस सिचुएशन थी और हमारा सामना हुआ रानो से, तो हम उनसे झगड़ा करके घर से निकल के आ गए। रानो ने हमसे सिर्फ इतना ही कहा कि लक्ष्मी घर पे नहीं है, उसके बाद का जो सीन था वो तो नॉर्मल तू मैं थी जो कि हो गई हमारे बीच में, और आंचल और रानो के बीच में तो हमेशा ही रहती है। सो बस जो बेसिकली जो मुद्दा था जिसके लिए हम गए थे कि लक्ष्मी से बात करनी है, वो नहीं हो पाया अभी तक। अभी देखते हैं, अभी क्योंकि ढूंढना तो पड़े, ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मी गायब है, इट्स जस्ट दैट हम उसके घर गए थे और वो हमें मिली नहीं वहाँ पर। बट हाँ, उससे मुलाकात करनी तो तय है। अब नेक्स्ट कब मिलते हैं हम, लेट्स सी, वही उसी की जद्दोजहद चल रही है। हाँ, वो अभी हमें आगे, हमने अभी वो शूट किया नहीं है, पर वो हमें आगे पता चलेगा कि लक्ष्मी कहीं जा रही है, तो हम ऑब्वियसली पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे ताकि वो उन्हें पकड़ें और वो कहीं और ना निकल पाएं और हम उन्हें वापस लेकर आएं। और फाइनली जब लक्ष्मी यहाँ पहुँचती है तो रानो उसे आगाह कर देती है, क्योंकि आपको बता दे कि लक्ष्मी ने कर लिया है फैसला पारो और शालू संग वापस गांव जाने का। भाई फाइनली लक्ष्मी अपने प्लान में हो गई है कामयाब। बैग पैक कर पारो और शालू को अपने साथ लेकर ये निकल पड़े हैं गांव की ओर, और ये लोग बस में भी बैठ गए हैं। तो भाई अब देखना होगा कि क्या ऋषि लक्ष्मी और पारो तक पहुँच पाएगा या लक्ष्मी गाँव पहुँच जाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह ये आईब्रो ब्रश फिल कर रहा है मेरी आईब्रोज को, उसी तरह हम भी तो फिल करते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।